लाइफ के जो नियम हैं उनके हिसाब से जीना चाहिए। नियम जो मैंने बताया आपको आज वो जीना चाहिए, 25 साल तक या फिर जब तक शादी नहीं होती तब तक ब्रह्मचर्य, देन उसके बाद गृहस्थ। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग, मज़े में? आज हम बात करने वाले हैं अगेन ब्रह्मचर्य के बारे में, और आज मैं एक छोटा सा आंसर देने वाला हूँ एक और भाई का, जो ये कहता है कि सेक्स को गलत बोलने वाले तुम घटिया लोग, जो कि बहुत गलत चीज़ें सिखा रहे हो हमारे बच्चों को, हमारे दोस्त देश के बच्चों को, देश के लोगों को, कि सेक्स गलत नहीं है, ब्रह्मचर्य के बारे में मत बताओ, ऐसा ऐसा कुछ बोलते हैं। तो इनका मैं आज आंसर देना चाहता हूँ कि ब्रह्मचर्य एक्चुअली है क्या, एंड ब्रह्मचर्य क्या सिखाता है, क्या सिखाना चाहता है ब्रह्मचर्य। सबसे बड़ी बात जो ये कह रहे हैं कि सेक्स गलत है, अगर हम ऐसा बोलते हैं, अगर ये ऐसा सोच रहे हैं दोस्त, तो ब्रह्मचर्य ये नहीं सिखाता कि सेक्स गलत है। सेक्स इज नेचुरल दोस्त, जो फैक्स क्रिया है, मैथुन क्रिया है, दैट इज नेचुरल, उसको करना नॉर्मल चीज़ है, करते हैं। क्यों करते हैं? ताकि एक प्राप्ति हो, या फिर इससे ज़्यादा कुछ नहीं है दोस्त। फैक्स इज नेचुरल, बट जो हाथ से करते हैं दैट इज नॉट नेचुरल दोस्त, उससे कुछ फ़ायदा नहीं है दोस्त, उससे केवल और केवल टाइम वेस्ट हो रहा है, उससे केवल और केवल आपका वीर बर्बाद हो रहा है, नाली में बह जा रहा है, या फिर बिस्तर खराब कर दे रहा है। तो इस तरह के काम हो जाते हैं दोस्त। हाथ से करना इज रॉन्ग, गलत चीज, बट फैक्स इज नॉट रॉन्ग, जो फैक्स क्रिया है वो गलत नहीं है दोस्त। वन मोर थिंग जो कि सिखाता है कि अट्रैक्शन, अट्रैक्शन होना कुछ भी गलत काम नहीं है, कुछ भी गलत नहीं है। अगर आपको अट्रैक्शन होता है किसी दूसरे जेंडर के प्रति, अट्रैक्शन होता है, तो उसमें कुछ भी गलत नहीं है, बट केवल अट्रैक्शन के चक्कर में अपनी लाइफ बर्बाद कर देना, दैट इज़ रॉन्ग थिंग। केवल अट्रैक्शन के चक्कर में अपने दिमाग में बुरे बुरे ख्याल लाना, गलत गलत सोचना, दैट इज़ रॉन्ग थिंग। अट्रैक्शन के चक्कर में लोग अपने से अपने वीर को बर्बाद करते हैं, वो तो ठीक है बर्बाद करते हैं, बट उसके साथ साथ एक बहुत गलत चीज़ होती है दोस्त, जो इंसान करता है ऐसा, वो हर एक लड़की को गलत नज़रों से देखना स्टार्ट कर देता है, उसको बुरे बुरे ख्याल आते हैं उसके दिमाग में। इसलिए ब्रह्मचर्य आपको सिखाता है कि आपको बुरे ख्याल अपने दिमाग से निकालने हैं दोस्त, ये है रियलिटी, ना कि अट्रैक्शन। अट्रैक्शन इज नॉर्मल नेचुरल दोस्त, अट्रैक्शन होना एक अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, बट अपने आप को कंट्रोल करना, दैट इज़ ग्रेट थिंग। कंट्रोल करना चाहिए आपको, उससे आप अपना टाइम बचाते हैं, उससे आप अपने बॉडी से अपना पावरफुल वीर्य निकालना से बच जाते हैं दोस्त, और हाथ से करना बच जाते हैं, इसलिए अपने दिमाग से बुरे ख्याल निकालने पड़ते हैं, ना कि अट्रैक्शन में बह जाना है। और जो कह रहे हैं कि हाथ से वीर्य बहाना इज नेचुरल, तो ये एक बहुत गलत चीज़ है, ये एक गलत चीज़ सिखाई जा रही है आपको कि ये नेचुरल है, वो नेचुरल हो ही नहीं सकता है दोस्त, क्योंकि उसमें इंसान अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, और अपने हाथ से जो कि जिसका कुछ फ़ायदा नहीं है वो करते रहे, इसलिए ये चीज़ गलत है। ब्रह्मचर्य कहते हैं कि ब्रह्मचर्य के लिए नियम बनाया गया दोस्त, ये नियम क्या कहते हैं कि 25 साल तक इंसान को ब्रह्मचर्य करना चाहिए, 25 के बाद इंसान को गृहस्थ जीवन जीना चाहिए। आप शादी कर सकते हैं, शादी के बाद गृहस्थ जीवन स्टार्ट हो जाता है, एंड उसके बाद गृहस्थ जीवन ख़त्म होने के बाद 35 के बाद इंसान को अपना घर छोड़ देना चाहिए, दैट इज़ सन्यासी जीवन। बट ऐसा नहीं करना है, अगर आप नहीं छोड़ना चाहते हैं ऐसा कुछ, बट एटलीस्ट 25 साल तक अपने महान वीर को बर्बाद करना बंद करो, एंड 25 के बाद शादी वादी चाहे आप कर सकते हैं चाहे नहीं करें, बट जब तक शादी नहीं होती एटलीस्ट तब तक आपको ब्रह्मचर्य करना ही करना चाहिए, एंड ब्रह्मचर्य के बाद शादी गृहस्थ जीवन अपनाओ, एंड 35 के बाद गृहस्थ जीवन छोड़ देना चाहिए, एंड एक्चुअली फिर से ब्रह्मचर्य स्टार्ट करना चाहिए अपना, एंड अपने आप को पावरफुल बनाना चाहिए। दैट इज़ नियम, दैट इज़ रियल नियम, जो कि आपको हमेशा फॉलो करना चाहिए दोस्त। और जो लोग कहते हैं कि हम उल्लू बना रहे हैं आपको सेक्स के बारे में, गलत बातें बता रहे हैं कि ये गलत नहीं है, तो दोस्त सबसे पहले तो गलत बात है ही नहीं, सेक्स फैक्स क्रिया एक गलत चीज़ नहीं है, बट हाथ से बहाना दैट इज़ रॉन्ग थिंग, और शादी के बाद करना चाहिए चाहें तो, बट शादी से पहले जो लोग जिन पे कंट्रोल नहीं है अपने आप को, दैट इज़ रॉन्ग थिंग। एंड देन वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग कि लाइफ के जो नियम हैं उनके हिसाब से जीना चाहिए, नियम जो मैंने बताया आपको आज वो जीना चाहिए, 25 साल तक या फिर जब तक शादी नहीं होती तब तक ब्रह्मचर्य, देन
उसके बाद गृहस्थ जीवन, गृहस्थ जीवन के बाद 35 के बाद फिर से ब्रह्मचर्य। आपको सन्यासी बनने की ज़रूरत नहीं है, ब्रह्मचर्य करने की ज़रूरत है उसके बाद, और अपने लाइफ को इन्जॉय करने की ज़रूरत है, अपने आप को पावरफुल बनाने की ज़रूरत है। आजकल की दुनिया में जितने लोग भी आपको कमज़ोर दिखते हैं, जितने भी लोग आपको कॉन्फिडेंस लेवल कम होता है जिनका, या फिर जितने भी लोगों में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम लगती हैं, जो लोगों में कॉन्फिडेंस की बिल्कुल कमी होती है, जो लोग बात तक नहीं कर पाते हैं या फिर बात करने में बहुत ज़्यादा हिचकिचाते हैं, तो दोस्त ब्रह्मचारी कभी भी हिचकिचाता नहीं है अपनी लाइफ में। ब्रह्मचारी जो इंसान होता है वो इंसान खुल के बात करता है, बहुत इंजॉय करके जीता है, और ब्रह्मचारी जो इंसान होता है उसका दिमाग बहुत ज़्यादा फास्ट काम करता है, तेज़ काम करता है, एंड उसकी बॉडी भी परफेक्ट होती है। इसलिए इन बातों को ध्यान रखना चाहिए हमेशा। और जो लोग ऐसा कह रहे हैं कि ब्रह्मचर्य की बातें बताकर तुम गलत चीज़ कर रहे हो अपने दोस्तों के पास, हमारे भाइयों के पास, हमारे भाइयों के लिए, देन उनसे बोलना चाहता हूँ मैं कि जम के हिलाओ, मुझे घंटा फ़र्क नहीं पड़ता तुमसे। और जो लोग ऐसा सिखा रहे हैं दोस्त, वो लोग आपके लाइफ को बर्बाद कर रहे हैं, जो कि गलत बताते हैं, ब्रह्मचर्य से अगेंस्ट चीज़ें बताते हैं जो लोग, वो लोग आपकी लाइफ को बर्बाद कर रहे हैं। जो डॉक्टर्स ऐसा करते हैं, वो लोग केवल अपना बिजनेस चलाना चाहते हैं, आपको बिजनेस चलाकर अपनी दवाइयाँ भेजना चाहते हैं आपके पास। कितने सेल्फिश हो सकते हैं डॉक्टर्स, आपको पता है? जितने भी लोगों को ये प्रॉब्लम आती हैं, वो लोग डॉक्टर के पास जाते हैं एंड उनसे दवाइयाँ खरीदते हैं। इसलिए ऐसे घटिया डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, एंड ब्रह्मचर्य पर पालन करो। अगर आपको ऐसी आदतें हैं, अगर आपको स्वप्न दोष की आदत प्रॉब्लम है या फिर कुछ भी प्रॉब्लम है दोस्त, आपको कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है, एंड ब्रह्मचर्य करने की ज़रूरत है। अगर कुछ आपको समझ में आया इस वीडियो से, तो डेफिनेटली एक लाइक कर सकते हैं आप चाहें तो इस वीडियो पे, एंड इस वीडियो को शेयर कर देना अपने दोस्तों के पास, जो लोग कहते हैं कि हम गलत चीज़ें सिखा रहे हैं ब्रह्मचर्य की बातें बताकर। सो इस चैनल को सब्सक्राइब तो आप करते नहीं हैं, जब आपका मन करेगा तभी आप करेंगे, इसलिए बोलने का फ़ायदा नहीं है दोस्त। नाउ इन्जॉय करते हैं एंड मज़े करो यार।